वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। ये जो हमारा न्यू इनिशिएटिव है, इसका हमने नाम रखा है प्रीलिम सुपर 15 टारगेट। मतलब कि हम रोज जो है वो हर रोज जो है वो 15 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रहेगा। यहाँ पर हम करंट अफेयर से लेकर जनरल स्टडीज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। हर रोज के जो हम 15 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी डेली फैक्ट। तो आप जो है वो नोटिफिकेशंस के लिए प्लस वीडियो के लिए जो है वो हमारे यूट्यूब इनिशिएटिव को सब्सक्राइब करें, प्लस साथ में जो है वो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली हम 15 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। पहले हम 10 सोच रहे थे, लेकिन 10 जो है वो कम हो जाते हैं और 20 जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो 15 एवरेज क्वेश्चन है। अगर हम हर रोज जो है वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो उससे जो है वो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। प्लस साथ में हम यहाँ पर जो टॉपिक न्यूज में होगा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा जो है वो फोकस रहेगा, जिससे जो है वो हमें ये भी क्लैरिटी होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। ये भी फोकस रहेगा। और ये इनिशिएटिव जो है वो HAS अलाइड और साथ में पुलिस पटवारी, जो भी एग्जाम जो है हिमाचल प्रदेश का होता है, प्लस साथ में CDS और CAPF के लिए भी रहेगा। हमारे मेंस के इनिशिएटिव भी शुरू हुए, जिसमें हम GS3 को कवर करने जा रहे हैं अभी, प्लस साथ में GS1 और GS2 के जो है वो हमने अराउंड 300 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं विद मॉडल आंसर्स, वो अवेलेबल है। तो अगर किसी को वो आंसर्स लेने हैं तो वो हमें टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, प्लस साथ में अपने आंसर्स भी हमें भेज सकते हो चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अंडर द सीरीज ऑफ मूल्यांकन, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी हो जाएगा। तो आप अपने आंसर्स जो है वो हमें भेज सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के सुपर 15 की 15 क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द समर एयर डिफेंस सिस्टम। समर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किस तरह की जो टाइप है, किस तरह की टाइप की मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये ध्यान रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। और रिसेंटली अभी क्या है, जैसलमेर में जो है वो हमने इसको टेस्ट फायर किया है। वायु शक्ति एक्सरसाइज जो जैसलमेर में हुई है, वहां पर जो है वो हमने इस एक्सरसाइज को यूज किया, इस मिसाइल को यूज किया, ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी जो है वो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मिसाइल जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, कौन सी नहीं। तो याद रखिएगा, ये मिसाइल जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एक्टिवली वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन। एंटी सैटेलाइट वेपन की यहाँ पे बात की जा रही है, याद रखिएगा, USA, चाइना, रशिया, इंडिया। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम कंफ्यूज, थोड़ा कंफ्यूज ना, मतलब अपनी किस तरह से जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखिए USA बहुत रेयर चांसेस है कि न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट पे जाएगा। चाइना ऑप्शन में हो सकता है, चाइना को हम सोच सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो काफी सारे जो है वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड। या ऑप्शन में ईरान होता तो ईरान भी हो सकता था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज रशिया। इंडिया ने तो अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं किया है, लेकिन जो है वो रशिया जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहा है न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 2 साल जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 ईयर्स जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को हो चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच कंट्रीज वुमेन बैडमिंटन टीम वॉन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है, उन्होंने ये जो है वो टाइटल जो है वो जीता है, और ये टाइटल जो है वो कहाँ पर हुआ है, शाह आलम मलेशिया में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये टाइटल कहाँ पर हुआ है, शाह आलम मलेशिया में, जिसमें जो है वो इस पूरे जो इवेंट है उसको लेड किया था पीवी सिंधु ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। चाइना नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका इंडिया, ये याद रखिएगा। देन उसके बाद है, वेयर इज द 60th मंच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बींग हेल्ड अटेंडेड बाय द एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर जी ने जो है वो उसको अटेंड किया है। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है जर्मनी में, 60th है।
सातवां मंच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 16th कॉन्फ्रेंस हुई है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये कहाँ पर हुई है, जर्मनी में। यहाँ पर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बात की गई है हाई लेवल डिस्कशन ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल जो सिक्योरिटी कंसर्न है उस पर हाई लेवल पर डिस्कशन यहाँ पर जो हुई है। साथ में जो है वो कोशिश की गई है सोल्यूशन की, जिसमें जो हम ग्लोबल और रीजनल कॉपरेशन और कंसर्न की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्वयं स्कीम टू इम्पावर इट्स यूथ विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो आंसर है दैट इज योर उड़ीसा, उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं और उड़ीसा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ये लॉन्च की गई है, इसमें जो है वो आपको 1 लाख तक का जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एज जो रखी है वो रखी है 18 से 35, 18 to 35 की जो है वो एज ग्रुप चुके जो लोग हैं वो जो है वो आप इंटरेस्ट फ्री लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट फ्री लोन अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये सरकार के इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट फ्री है तो दैट मीन्स पूरा 1 लाख मिलेगा, पहली कंडीशन। तो क्या है वो जो इंटरेस्ट में भी पैसा देना था उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी। इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी तो मतलब क्या है कि उसके पास, यूथ के पास एक अच्छी इनकम है जिसको इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। तो इस तरह से जो है वो सरकार जो है ऐसे इस तरह से इनिशिएटिव लेती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, साथ में जो है वो डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक साइकिल चले, तो इससे इकोनॉमिक, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी, प्लस साथ में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अब यूथ में यहाँ पर वुमेन्स भी आती है, गर्ल्स भी इसमें ऐड हो रही है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट लीड्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मतलब अभी लीड कर रहा है इसमें, कौन सा जो है वो स्टेट लीड कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, केरला, तो इसमें जो लीड कर रहा है दैट इज योर कर्नाटका। कर्नाटका ने अभी रिसेंटली जो है वो कितने जो आपका 5059 जो है वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो फ्रंट रनर बन गया है, एमर्ज बन गया है इसे, और सप्रेसिंग किसको सप्रेस कर दिया, महाराष्ट्र और दिल्ली को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो काफी जो है वो देखने को न्यूज में मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर वन पे आ गया है वो आपका कर्नाटका है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट हेलीकॉप्टर एमरजेंसी सर्विस, फर्स्ट हेलीकॉप्टर एमरजेंसी सर्विस देश का पहला है, तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। ये याद रखिएगा, उत्तराखंड ने ये लॉन्च की है और उत्तराखंड का जो मेन टारगेट है मतलब यहाँ पर जो है वो आपका जो स्विफ्टली ट्रांसपोर्ट करना है विक्टिम्स को, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं एंड पेशेंट्स हैं उनको फ्रॉम रिमोट एरियाज, रिमोट जो एरियाज है हिल रीजन, वहां से एम्स इन ऋषिकेश, दैट मीन्स एम्स इन ऋषिकेश, ऋषिकेश तक पहुंचाना। और इस ये जो इनिशिएटिव है अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी जो है वो चल रहा है, जिसका जो मेन टारगेट है वो जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस बनाना। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो इसका जो आंसर है दैट इज योर मसाम, आसाम, आसाम में जो है वो ऐसे मैजिकल इवेंट्स वगैरह देखते हैं तो उन्होंने जो है वो बैन किया है इसको। देन नेक्स्ट है उसके बाद वेयर इज अ वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, इसका जो आंसर है दैट इज योर दुबई, दुबई में जो है वो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और बाय 2026 जो है वो हमारा ये जो है वो लॉन्च हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें हमने बात की है कि वेयर वॉज द 14th ग्लोबल इमिग्रेशन समिट ऑर्गेनाइज, 14th इमिग्रेशन ग्लोबल इमिग्रेशन इमिग्रेशन समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जो है वो हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है याद रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 11th क्वेश्चन, Which country's port received the first trial cargo vessel from the Maiya MAIA inland port in India? इसका जो आंसर है that is your Bangladesh, Bangladesh का जो port है, ठीक है, इसमें दो ports को connect किया जा रहा है vessels को, जिसमें Maiya port in India and Sultanganj port in Bangladesh, दो countries के बीच में collaboration है, जिसमें जो है वो 11.5 किलोमीटर ऑफ वाटरवे जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली एक्सपीरियंसिंग द वेदर फिनोमेनन नोन एज पाइन एप्पल एक्सप्रेस प्रो। तो इसका जो आंसर है वो है यूएसए, और ये जो इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है कि जो पाइन एप्पल एक्सप्रेस इवेंट है, ठीक है, ये स्ट्रॉम वाला जो फिनोमेनन है, वेदर फिनोमेनन, ये यूएसए के साथ लिंक कर रहा है। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। कैलिफोर्निया यूएसए में जो है ये काफी ज्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहा है, और इसको क्या कहते हैं हम, एटमोस्फेरिक रिवर फिनोमेनन भी कहते हैं। एटमोस्फेरिक रिवर्स होती है ना, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो हवा के साथ ही जो है वो बहुत सारी बारिश करते हैं, उस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट वॉज द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंट डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कर रहे हैं हम फरवरी 17 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फरवरी का ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है 13 फरवरी। यहाँ पर जो है वो हम नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वुमेन्स डे, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 8 मार्च को जो है वो आप हम जो है वो इंटरनेशनल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दोनों ही, एक डे निकल गया है एक डे आने वाला है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें जो शुरुआत की है इसकी, वो 17 फरवरी 2023 से शुरुआत हुई है इन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंट डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इन विच इंडियन स्टेट वाज द बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड। तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में इनॉग्रेट किया है जो नवीन पटनायक है वहां के सीएम, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है दिस इनिशिएटिव। और जो ये इनिशिएटिव है ये प्रोवाइड कर रहा है एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये जो आपका ये जो सेंटर है कैंसर केयर सेंटर, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज की इस वीडियो का, और कल भी जो है हम और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। 15 क्वेश्चंस का चारों टारगेट है हमारा रोज का रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 12th एडिशन ऑफ द मिलन नेवल एक्सरसाइज। तो ये मिलन नेवल एक्सरसाइज है, इसको जो होस्ट कर रहा है, किया है, वो किया है विशाखापट्टनम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलन एक्सरसाइज का, यहाँ पर जो है वो नेवल एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। इसमें जो है वो हम अराउंड 50 कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसकी थीम जो है वो रखी है हमने एनहेंसिंग ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी। दैट मींस ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी पर हम यहाँ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। और ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप ये इनिशिएटिव जो है वो आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज सपोर्ट करें। साथ में ही हम रोज के रोज जो है वो 15 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर से भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्लस साथ में जनरल स्टडीज बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम डालेंगे, ताकि 15 क्वेश्चन तो हमारे रोज जो है वो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस हो। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।